कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के लिए राम भक्तों के लिए एक ऑडियो संदेश जारी किया। आज से प्रधानमंत्री 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर होंगे। यह अनुष्ठान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक चलेगा। इधर मोदी विरोधी राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है। मोदी विरोधियों को जिस बात का भय था, जिस बात का डर था, वो अब दिख भी रहा है। पूरा हिंदू वोट एक तरफ जा रहा है और अब तो बीजेपी मुसलमान वोट को भी करीब लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ गई है। क्या सोनिया गांधी के हाथ से 80 तो गया ही, 20 भी जा सकता है? मोदी और विरोधी का कैलकुलेशन सच में क्या है, ये आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। कांग्रेस ने 20 के चक्कर में 80 ठुकराया, कहीं 20 भी मोदी की ओर तो नहीं चलाया। अब यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस के हाथ से 80% हिंदुओं का वोट जा रहा है, क्योंकि उसने 20% मुसलमानों के वोट के लिए 80% हिंदू वोट को ठुकरा दिया है। लेकिन जो तस्वीरें अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आवास से आई हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि कहीं वो 20% वोट भी मोदी की तरफ तो शिफ्ट नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि मुस्लिम डेलीगेशन से मिला और अजमेर शरीफ दरगाह के उर्स के लिए पवित्र चादर भेंट की। यानी 22 जनवरी को मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके 80% हिंदू वोट ले जाएंगे और अजमेर के उर्स में चादर देकर मोदी ने 20% मुसलमानों के वोट भी सिक्योर कर लिए। ऐसा हुआ तो कांग्रेस का क्या होगा, जिसने इन 20% वोटों के लिए राम मंदिर के उद्घाटन में जाने का न्योता ही ठुकरा दिया? क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का फैसला करके कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट सिक्योर कर लिए? क्या कांग्रेस को 2024 में देश के 16% मुस्लिम वोट मिलने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि 24 में पूरा हिंदू वोट एकमुश्त मोदी को जा रहा है? क्या कांग्रेस ने चुनाव आने से पहले ही हिंदी बेल्ट में सरेंडर कर दिया है? क्या हिंदी बेल्ट और गुजरात महाराष्ट्र की 299 सीटों पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी? विरोधी और कुछ कांग्रेसी नेता भले ही कांग्रेस की मति भ्रष्ट बता रहे हों, लेकिन अब सीधा सीधा यह समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने यह मूव बड़ा सोच समझकर उठाया है। बहुत सोच विचार के बाद कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या नहीं जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने से पहले आपको 2019 के लोकसभा चुनावों का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दिखाते हैं। 2019 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 80 में से एक सीट, उत्तराखंड की 5 में से 0, बिहार की 40 में से एक सीट, झारखंड की 14 में से एक सीट, मध्य प्रदेश की 29 में से एक सीट, छत्तीसगढ़ की 7 में से 2 सीट, दिल्ली की 7 में से 0, राजस्थान में 25 में से 0, हरियाणा में 10 में से 0 और हिमाचल प्रदेश में भी 4 में से एक भी सीट नहीं मिली थी। ये सारे हिंदी बेल्ट के प्रदेश हैं, जहां लोकसभा के कुल 225 सीटें हैं और कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 6 सीटें मिली थी। ये सारे प्रदेश भगवा में थे। और अगर इन हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र को भी मिला लिया जाए तो कांग्रेस की स्थिति और खराब नजर आती है। 2019 में गुजरात की 26 में से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती। इसी तरह से महाराष्ट्र की 48 में से कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। यानी हिंदी बेल्ट और गुजरात महाराष्ट्र की 299 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थीं। और कांग्रेस की आंखें खोलने के लिए ये आंकड़े काफी हैं। कांग्रेस को ये साफ दिख रहा है कि 2019 में उसे इन राज्यों में 299 में से सिर्फ 7 सीटें मिली थीं और बीजेपी को 299 में से 226 सीटें तो सिर्फ इन्हीं राज्यों से हासिल हुई थी, वो भी तब जब राम मंदिर की लहर नहीं थी। 2024 में तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 को मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, तो सोचिए इन हिंदी प्रदेशों का हिंदू वोट एकमुश्त बीजेपी को नहीं जाएगा तो किसको जाएगा? यही कांग्रेस को दिख रहा है। उसे समझ में आ गया है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, हिंदी प्रदेशों में कितनी भी फाइट कर ले, उसे जनता वोट नहीं देगी। कांग्रेस ने यह सब करके हाल ही के विधानसभा चुनावों में देख तो लिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल खूब सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चले,
इसी पर वोट मांगे। अक्सर मंदिरों में साधु संन्यासियों के साथ भगवा कपड़ों में नजर आए, लेकिन जब वोट पड़े तो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, बीजेपी को जिताया। कांग्रेस को जनता ने पसंद ही नहीं किया, उसके वोट में कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टे सीटें कम हो गईं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पिछली बार यानी 2018 में 40.89% वोट पड़े थे और 114 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस को वोट इतने ही पड़े, 40.45%, लेकिन सीटें सिर्फ 66 मिली। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पिछली बार 43% वोट पड़े थे, सीटें मिली थी 68। इस बार वोट कुछ खास कम नहीं हुए, इस बार भी 42.23% वोट मिले, लेकिन सीटें 35 रह गई। राजस्थान में भी कांग्रेस के वोट ज्यादा कम नहीं हुए, 2018 में 39.3% वोट पड़े थे और सीटें 100 जीती थी। इस बार करीब 39.5% वोट पड़े, लेकिन सीटें 70 रह गई। यानी इन तीनों ही राज्यों के रिजल्ट से कांग्रेस को ये समझ में आ गया था कि वो चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे जितना भी हिंदू वोटों की तरफ खुद को शिफ्ट कर ले, हिंदू वोट तो सिर्फ बीजेपी को ही जाएगा। इसीलिए कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है। ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले हमने देखा, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के हो, खासकर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हार्ड हिंदुत्व की ओर आ गए थे, तमाम कथाएं करा रहे थे, सब करा रहे थे, लेकिन हार मिली तो क्या इस वजह से वापस वो अल्पसंख्यकों के वोट लेने की कोशिश करने के लिए इस तरीके का कर रहे हैं, ऐसा आप लोग मानते हैं? कांग्रेस को संस्कृति, आस्था, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो हर चीज को वोट बैंक मानती है, तो वोट बैंक के नाते वो तोलते रहे, तुष्टिकरण करते रहे, लेकिन देश राममय है और हम तो भगवान की भक्ति में लीन है। अहो भाग्य हमारा जो उस युग में पैदा हुए जब भगवान श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं अयोध्या में। लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बॉयकॉट करने की अकेली वजह यह नहीं है कि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के लिए कोई स्कोप नहीं बचता, बल्कि इस फैसले में कांग्रेस को मुसलमानों का तुष्टिकरण भी तो दिख रहा है। 2023 में ही दो और विधानसभा के चुनाव हुए, कर्नाटक और तेलंगाना। हिंदी पट्टी में जहां कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई, तो उधर साउथ में कांग्रेस की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। कांग्रेस ने यहां तेलंगाना और कर्नाटक जीत कर दिखाया। हिंदी बेल्ट के तीन राज्यों में कांग्रेस के वोट नहीं बढ़े, लेकिन साउथ के इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को बंपर वोट मिले। कर्नाटक में पिछली बार यानी 2018 में कांग्रेस को सिर्फ 38.14% वोट मिले थे और 80 सीटें जीती थी, लेकिन 2023 में कांग्रेस के वोट भी बढ़े और सीटें भी। इस बार कांग्रेस को करीब 43% वोट मिले और 135 सीटें उसने जीती। इसी तरह से तेलंगाना में कांग्रेस को 2018 में 28.43% वोट मिले थे और उसने सिर्फ 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के वोट 39.40% तक बढ़ गए और उसे 64 सीटों पर जीत मिली। और इन दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस को मुसलमानों के बंपर वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को साउथ के यही राज्य नजर आते हैं। उसे लगता है कि जहां नॉर्थ में कोई स्कोप नहीं बचा, तो कम से कम साउथ से इतनी सीटें मिल जाएं कि वो नंबर दो की पार्टी बन जाए। कर्नाटक की 29 सीटों में से कांग्रेस के पास अभी सिर्फ एक सीट है, लेकिन उसे सीटें बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तेलंगाना की 17 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें हैं, उसे लगता है कि सीटें बढ़ेंगी क्योंकि सरकार अपनी है। केरल में 26% मुस्लिम वोट है और इन्हीं के दम पर पिछली बार कांग्रेस ने 20 में से 19 सीटें जीती थी। कांग्रेस चाहती है कि यही परफॉर्मेंस इस बार भी रहे, इसीलिए वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है। कांग्रेस सदा से हिंदू विरोधी रहा है, नेहरू जी से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक, आज तक कोई अयोध्या नहीं गया है। उस समय बीजेपी नहीं था जब नेहरू थे। इनके डीएनए में है हिंदू विरोधी। अगर हिंदू विरोधी नहीं होता तो स्टालिन के कुनमा ने जो सनातन को समाप्त करने की बात की, ये नाता रिश्ता तोड़ देते। लेकिन ये नाता रिश्ता क्यों तोड़ेंगे, इन्हीं के इशारे पर वो बोला। ये बार बार हिंदुओं पर चोट करते रहे। ये प्रभु श्री राम के टेंट में अगर आजादी के बाद अब तक रहे, वो कांग्रेस के कारण रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से तुष्टिकरण की नीति, मुस्लिम अपीजमेंट और हिंदू विरोधी।
अब ऐसे हालात में अगर कांग्रेसी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में चले जाते तो उन्हें फायदे के बजाय मुस्लिम वोटों का भारी नुकसान हो जाता। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कम से कम मुस्लिम वोट ही अपने पास सही सलामत रखे जाएं, क्योंकि पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस को लगातार हर वर्ग के वोटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी उसके हर वर्ग के वोट अपनी तरफ खींच रही है। 2009 में कांग्रेस को 27% दलित वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 12%। 2014 में कांग्रेस का दलित वोट घटकर 19% रह गया, जबकि बीजेपी का एससी वोट बढ़ा और 24% पर पहुंच गया। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 20% दलितों के वोट मिले, जबकि बीजेपी का दलित वोट करीब 10% बढ़ा और बीजेपी को 33.5% दलितों ने वोट किया। कांग्रेस के पास अब आदिवासियों का वोट भी नहीं बचा है, वो भी बीजेपी ले गई है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 39% आदिवासी वोट मिला था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 24.5% आदिवासियों ने वोट दिया था। 2014 में कांग्रेस का आदिवासी वोट करीब 11% कम हुआ, सिर्फ 28% आदिवासी वोट मिला और ये वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। 2019 में कांग्रेस को 31% आदिवासियों ने वोट किया, जबकि बीजेपी के 6% और वोट बढ़े और वो 44% हो गए। हालांकि कांग्रेस को अपने मुस्लिम वोट बैंक से बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के लिए मुसलमानों का वोट स्टैग्नेंट रहा है। 2009 और 2014 में कांग्रेस को 38% मुसलमानों के वोट मिले। 2019 में यह वोट 5% कम हुआ और कांग्रेस को 33% मुस्लिम वोट मिले थे। इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहो, और यही वजह है कि कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने का न्योता ठुकरा दिया है। मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ है हे राम, और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि यह गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है, और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा।